So, CAT exam is over. And uh, today is the 28th of November. And I know. I'm just asking a question from you. What after CAT? Ma'am, we have the SNAP exam. We have IFT, ZAT, and a few of the students have the exam of the NMED. So now, ma'am, we are focusing for the like uh, SNAP exams or the IFT exam or the Z exam, right? So, देखो आप लोगों का एग्जाम जैसा भी हुआ है अगर वो बहुत अच्छा भी हुआ है if you are expecting the more than 99 तो भी आप लोगों ने अगर स्नैप का फॉर्म या जो भी आपने फॉर्म फिल किया है आपको उसके लिए डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करनी है क्योंकि जब तक हमारे हाथों में एक एडमिशन लेटर नहीं आ जाता तब तक हम रुकेंगे नहीं राइट यही चीज होनी चाहिए ना यस मैम तो आ,

एंड इफ यू आर न्यू इट दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ठीक है शेयर अमंग यूर फ्रेंड्स सो मैक्सिम स्टूडेंट्स को यहाँ पे इसका बेनिफिट मिल सके

तो एक बार हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं यहाँ पे स्नैप टेस्ट स्ट्रक्चर जो कि सब लोगों को पता है कि 60 60 मिनट से आपके पास में क्वेश्चंस हैं का नेगेटिव मार्किंग भी है एंड सर टोटली स्पीड बेस्ड एग्जाम एंड जिन लोगों को वर्बल uh, में डर लग रहा था कैट में उनके लिए ये सेक्शन है फिफ्टीन क्वेश्चन एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन क्वान्टिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन

देखो आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनने वाली है उसमें जो आपके क्राइटेरिया रहेंगे वो है आपके पास जो स्नैप का स्कोर है उसको वेटेज को स्केल डाउन किया जाएगा दैट मींस आउट ऑफ द हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट्स आपके स्नैप के स्कोर कार्ड के होंगे ग्रुप एक्सरसाइज टेन पॉइंट्स पर्सनल इंटरव्यू 30 पॉइंट्स राइट एंड राइटिंग एबिलिटी टेस्ट इज द टेन पॉइंट तो यू कैन सी की सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपका स्नैप और पर्सनल इंटरव्यू का है दैट मीन आउट ऑफ हंड्रेड एट्टी पॉइंट सिर्फ आपके इन्हीं दो टॉपिक में से है लाइक like इन्हीं दो एरिया में से है सॉरी तो स्नैप का स्कोर कार्ड फिफ्टी पर्सनल इंटरव्यू पर्सनल एंड द ग्रुप एक्सरसाइज मैंने एक वीडियो बनाई है क्या एक्टिविटीज हुई कैसा इंटरव्यू प्रोसेस था वो सब डिस्कस किया हुआ है सो अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो यू विल गेट द बेटर आइडिया की क्या क्या प्रोसेजर होता है सिम्बाइसिस यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के लिए अब मेन

सिनोनिम्स राइट एंड फिर आपके पास एरर एरर फाइंडिंग That means more or less I can say error finding, spelling fill in the uh, sorry spelling नहीं fill in the blanks, analogies, word one out, idiom phrases, sent sentence completions. तो अगर मैं इनको दो category में divide करूं इन the general English तो more or less आपको prepare करना है यहाँ पे grammar ka and plus vocabulary का क्योंकि idioms and phrases आपके पास one word substitution हो या फिर आपके पास antonyms, synonyms हो या फिर आपके पास spelling हो ये सब आपका vocabulary का part है. तो आपको यहाँ पे वोकैबलरी uh, और आपका ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है एंड कर कि आप अपनी और को से के चलोगे आपने ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर किया हुआ है sure, अगर आपने कैट एग्जाम दिया है तो आपने रीडिंग कर रहे थे वहां पे पैराजंबल्स की प्रैक्टिस कर रहे थे तो आपका ग्रामर एंड वोकैबलरी आपने सम हाउ किया हुआ है सो so थिंक कि आपने अभी तक ग्रामर एंड वो तो टच ही नहीं किया ऐसा नहीं है ठीक है बस आपको एक बार देखना है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे और ज्यादा वर्कआउट करना है नेक्स्ट इज द एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग ये कैट में ये वाले टॉपिक्स जनरली नहीं आते हैं इन वाले टॉपिक्स पे हम जनरली फोकस नहीं करते हैं तो यहाँ पे या फिर जिन बच्चों ने एनमेट एग्जाम दे दिया है उन्होंने शायद से ये टॉपिक प्रिपेयर किए होंगे बट अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं हम लोग एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स को पहले कवर कर लेते हैं तो इसमें आपके पास ब्लड रिलेशन आई मीन कुछ स्टूडेंट्स उसको फैमिली ट्री बोलते हैं सीरीज क्लॉक कैलेंडर कोडिंग रिकॉर्डिंग सीटिंग अरेंजमेंट सीटिंग अरेंजमेंट में आपका लीनियर सर्कुलर फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन इनपुट आउटपुट सिलोलिज्म विजुअल रीजनिंग पजल्स मैथमेटिकल रीजनिंग एंड द डायरेक्शन जो मैंने यहाँ पे मैं नहीं किया है डायरेक्शन एंड रो एंड रैंकिंग सो दीज आर द टॉपिक विच यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द स्नैप एग्जाम एंड ये टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आप एक एक दिन में लाइक like एक एक दिन यहाँ पे देते हो तो आप बहुत आराम से यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि कंसेप्ट कितना है कंसेप्ट बहुत छोटा सा होता है उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी एंड इफ यू आर प्रैक्टिस इन थर्टी थर्टी क्वेश्चन अराउंड ऑन द पर चैप्टर देन आपको एक सफिशियंट प्रैक्टिस हो जाएगा And I would say कि सीरीज के काफी five, five क्वेश्चन से रिलेटेड बन सकते हैं अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के टू टू थ्री क्वेश्चन तक बन सकते हैं राइट right? तो आपको ये जो पॉइंट्स है ये जो पे आपको प्रैक्टिस करनी है एंड यू जस्ट नीड द प्रैक्टिस क्योंकि आपको स्पीड में भी खेलना है वहां पे एंड द नेक्स्ट सेक्शन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें

तो अगर मैं बोलूं कि इफ यू प्रिपेयर फॉर द कैट एग्जाम तो आपको क्वांट में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है एंड यू नीड टू सॉल्व ओनली द लेवल वन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आपको जानने की जरूरत नहीं है सो द अरेथमेटिक पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी एलजेब्रा नंबर सिस्टम ज्योमेट्री बायोनोमल एक्सप्रेशन डेटा इंटरप्रिटेशन एंड द डेटा सफिशियंसी यू नीड इफ यू प्रैक्टिस फॉर द कैट एग्जाम

लाइक फ्रॉम आई कैन आई कैन प्रैक्टिस सो आई सजेस्ट कि अगर आप ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बुक को मुझसे पूछना चाहोगे तो आई वुड लाइक टू सी देश मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं दिए है रियली गुड बुक चीज अच्छी होती है उसको एप्रिशिएट किया जाता है ठीक है मार्केट में जो चीज अच्छी होती है तो एसपी बक्सी काफी अच्छा बुक है आपका मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन में बोल सकती हूँ फॉर द ग्रामर एंड वोकाबुलरी बाकी तो वोकाबुलरी और ग्रामर के लिए आप लोगों को रीडिंग नहीं छोड़ना है आपको ऐसा नहीं सोचना की रीडिंग सिर्फ आपको कैट में हेल्प करती है रीडिंग आपको यहां भी हेल्प करेगी रीडिंग तो आप ऐसा सोच लो ये आपके लाइफ का पार्ट बन चुका है अब राइट right? तो आपको यहाँ पे ग्रामर वो एसपी बक्सी और बाकी आप रीडिंग तो प्लीज करते रहो और वहां पे जो आपको मोस्ट रीडिंगली यूज होने वाले वर्ड मिल रहे हैं उनको भी आप नोट uh, डाउन करो प्रैक्टिस करो रिवाइज करो तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे इन द एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग आई वुड से कि अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक बुक आती है मैंने शायद से एक दो बार पहले भी बोला है

नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा फॉर द पार्ट ऑफ यू आई एम से जो आपके पास आर एस अग्रवाल की जो बुक आती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप बिंदास वहां से कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है पीएनसी प्रॉब्लमिटी भी आप वहां से कर लेते हो क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पीएनसी प्रॉबेबिलिटी नहीं आता है लेवल वन का तो आपको आर एस अग्रवाल की बुक में भी गिवन है बाकी एलजेब्रा नंबर सिस्टम ज्योमेट्री बाइनोमियल डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशियंसी के लिए आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो मार्केट में कुछ बुक्स है ठीक है जो भी फॉलो कर रहे हो वहां से सिर्फ आपको लेवल वन के क्वेश्चन करने की जरूरत है लेवल वन के क्वेश्चन करोगे ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी की आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो स्नैप एग्जाम में एंड यू हैव द गुड चॉइसेस थ्रू द स्नैप स्कोर कार्ड राइट अब मेन क्वेश्चन आता है कि मैम मुझे मॉक कितने लगाने हैं अब देखो मॉक प्लस आपके पास सेक्शनल टेस्ट मैं आपको ये चीज बोलूंगी कि इफ यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस ऑफ द ईदर जनरल इंग्लिश एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग और क्यूए आप किसी की भी प्रैक्टिस करो तो इट शुड बी इन द

तो आप यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट के फॉर्म में ही प्रैक्टिस करो बाकी अगर आप फुल लेंथ मॉक की बात कर रहे हो तो अगर आप सिक्स टू सेवन फुल लेंथ मॉक दे देते हो सो इट्स सफिशियंट सिक्स टू सेवन मॉक्स आप दो ताकि आप वहां पे टाइम मैनेजमेंट सीख सको आपको स्पीड पे कैसे वर्क करना है उस चीज पे आप लोग वर्क कर सको करेक्ट है ठीक है तो ये हो गया हमारा सेक्शनल सिलेबस मॉक कितने देने हैं आपको इन सब चीजों के बारे में अब हमारे पास मेन क्वेश्चन आता है क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैं आपको हेल्प करने वाली हूं एज यूजल जहां तक मैंने अभी तक आपको हेल्प किया है आगे भी मैं आपको हेल्प करती रहूंगी सो हाई हाउ आई विल हेल्प यू अभी मैं सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली डेफिनेटली आई विल हेल्प यू ठीक है मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्लान किया है मॉक इंटरव्यूज वगैरह सो मैं आपको देखो अपने मेरे यूट्यूब चैनल पे ग्रो टूगेदर पे बिकॉज इसका नाम है ग्रो टूगेदर मतलब हम लोग साथ

लाइक टेलीग्राम लिंक पे आप ज्वाइन कीजिए और उसमें आप यहाँ पे क्या कर सकते हो जो भी मैं आपको नोटिफिकेशन जो भी मैं आपको पीडीएफ वगैरह भेजती हूँ आप उसको सॉल्व कीजिएगा ओके सो इस तरीके से हम लोग अपनी जर्नी करेंगे एंड ये आई नो मोस्ट लाइक मेनी ऑफ द स्टूडेंट आर आस्किंग मी की मैम आई के लिए कैसे प्रिपेरेशन करना है तो उसके लिए मैं मोस्ट ऑफली एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी बट दिस ओनली फोर स्नैप एग्जाम राइट अच्छे से दीजिए इजी एग्जाम है लेकिन स्पीड बेस्ड एग्जाम है आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से करना पड़ेगा एंड ट्रस्ट मी की अगर आप 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 जो भी remaining days आपके पास बाकी हैं अगर आप इसमें अच्छे से preparation करते हो हो तो आप अपने को कर सकते हो. Still, आपकी जो जर्नी है वो भी बाकी है कैट एग्जाम हुआ है लेकिन अभी एमबीए में एडमिशन होना बाकी है और जब तक मेरा एडमिशन नहीं हो जाता तब तक मैं रुकूंगा नहीं ओके चलिए तो थैंक यू सो मच गाइज एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच